अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना हो। हेलो 42, कैसे हैं आप? अभिवादन आपका एक्जिमर के नए वीडियो एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स पार्टनर को लेकर महिलाओं की पसंद के बारे में। हम अपनी बात शुरू करेंगे 1999 में आई एक फिल्म अमेरिकन पाई के उदाहरण से। अगर बात कहनी हो और आप ये जानना चाहें कि किसी महिला के कितने सेक्सुअल पार्टनर हैं, तो महिला के जवाब को 3 से गुणा कर दीजिए। और वहीं पुरुषों के सेक्सुअल पार्टनर की बात हो तो पुरुष जितनी संख्या बताएं उसमें उसी संख्या से भाग दे दीजिए। जेसिका जो अभिनेत्री टारा रीड हैं, जिन्होंने अमेरिकन पाई में अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी, फिल्म में 3 गुना के नियम को बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप साइंस बताती हैं। फिल्म से अलग हम बात करते हैं 1859 की, जब चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों ने बताया कि पुरुष जैविक रूप से असंयमी और महिलाएं स्वाभाविक रूप से पवित्र यौन संबंधों को चाहती हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ रीति रिवाज बदले और अब परंपरा मान्यता के हिसाब से पुरुषों की कामुकता अनियंत्रित होती है और महिलाओं को इसमें शर्मिंदा किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इन धारणाओं को विज्ञान की कसौटी पर कसा और पाया कि पिछले 30 से 40 सालों में पहले के मुकाबले ज्यादा सही तस्वीर उभर कर सामने आई है। सेक्स से जुड़ी सारी मान्यताएं, धारणाएं और परंपराएं सेक्स संबंध बनाने के लिए आधार नहीं होती और विज्ञान इस पर कुछ अलग कहता है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया कि महिलाएं कैजुअल सेक्स के लिए ओपन होती हैं, तो क्या वे अपने पार्टनर चुनने को लेकर सतर्क रहती हैं? जिसका जवाब है हाँ, लेकिन इसमें भी वे कम खुली नहीं होती। डार्विन का रूढ़िवादी सिद्धांत लंबे समय तक लोगों को प्रभावित करता रहा। प्लेबॉय के 1978 के अंक में एक स्टोरी छपी कि क्या पुरुषों को अपनी महिलाओं को धोखा देने की जरूरत है। इस मामले में नया विज्ञान हामी भरता है। जब बिल क्लिंटन का कुख्यात प्रेम संबंध दुनिया के सामने आया तो न्यूयॉर्कर ने क्लिंटन के व्यवहार का बचाव किया। न्यूयॉर्कर एक प्रेस रिपोर्टर है और क्लिंटन के विकासवादी मनोविज्ञान के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और बचाव किया। उस आर्टिकल का शीर्षक था बॉयज विल बी बॉयज। लेकिन जर्मनी में जन्मी साइनी एक स्टडी के बारे में बताती हैं कि 1970 के दशक में यह प्रयोग किया गया और इस स्टडी में पुरुषों और महिलाओं को एक ग्रुप में शामिल किया गया। इन्हें अजनबी लोगों के साथ सेक्स करने के लिए कहा गया। प्रयोग के शुरुआती तौर पर जो नतीजे आए उनमें पुरुषों की तरफ से हाँ था पर महिलाओं की तरफ से ना था। तो क्या इस हाँ और ना में सामाजिक मान्यताओं की भी कोई भूमिका थी? वैज्ञानिकों ने इस बारे में भी शोध किया। इस मामले में उन्होंने पाया कि पुरुष ज्यादा मजबूती के साथ खड़े रहे, लेकिन साइनी का कहना है कि यहाँ दूसरे कारण भी हैं महिलाओं के ना कहने में, क्योंकि सेक्स संबंधों में हिंसा का खतरा या सामाजिक कलंक जैसी दूसरी चीजें अहम हैं। ऐसे में 2013 में इस स्टडी पर गोपनीय ढंग से बात हुई। पुरुषों और महिलाओं को संभावित पार्टनरों की तस्वीर दिखाई गई और उनसे पूछा गया क्या वे इनके साथ सोना चाहती हैं। इस पर दोनों ने हामी भरी। पुरुष ने आखिरकार महिलाओं की तुलना में ज्यादा पार्टनर चुने, लेकिन महिलाएं भी सामान्य रूप से कैजुअल सेक्स के लिए पार्टनर चुनने में सहमत थीं। साइनी के मुताबिक महिलाएं पार्टनर चुनने में सतर्क होती हैं, लेकिन संयमी बिल्कुल नहीं होती। डार्विन का सिद्धांत उस आइडिया पर आधारित था जिसमें बताया जाता है कि पुरुष जैविक रूप से ज्यादा उत्तेजित होते हैं। इसके पीछे के भी कई वैज्ञानिक कारण हैं, जैसे महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी और बच्चों का पालन पोषण जुड़ा होता है, इसलिए वे वैवाहिक जीवन पर ज्यादा भरोसा करती हैं। इस तरह की सोच आज भी जिंदा है। हालांकि साइनी कहती हैं कि डार्विन ने सामाजिक संदर्भों के आधार पर बातें कही थीं और ये सारी चीजें पुरातन समाज में फिट बैठती हैं। साइनी का कहना है कि पुराने समाज में महिलाओं की कामुकता को दबा कर रखा जाता था। उन्होंने कहा कि डार्विन ने इस बात की उपेक्षा की कि महिलाओं की कामुकता को प्रतात्मक समाज में हजारों सालों से दबा कर रखा गया है। गैर पश्चिमी समाजों का मानना है कि महिलाओं का पारंपरिक यौन व्यवहार जैविक गुणों के मुकाबले सांस्कृतिक मूल्यों पर ज्यादा निर्भर करता है, जो कि वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। तो ये स्टडी ये बताती है कि महिलाएं भी अगर उनको खुला माहौल मिले तो वो पुरुषों की तरह ही कैजुअल संबंध और कई पार्टनर के साथ संबंध बनाने में उनको कोई परेशानी नहीं होती। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपको लगता हो कि यह जानकारी
किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।